तो हमारा नेक्स्ट कंटिन्यू टॉपिक है मैट्राइसेस का। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं मैट्राइसेस का यूजिंग एडजॉइंट। ठीक है, तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं, वो इस वीडियो में हम देखने वाले। ठीक है, हेलो एवरीवन, मेरा नाम विवेक है और आज हम देखेंगे इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं मैट्रिक्स का, जो बोर्ड में पूछा जाता है 6 मार्क्स के लिए। तो इनवर्स कैसे फाइंड करना है मैट्रिक्स का वो देखते हैं हम लोग बाय एडजॉइंट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे एडजॉइंट मेथड से इनवर्स सॉल्व किया इसने। तो अभी एग्जांपल लेता हूँ मैं, ए इक्वल टू 1/6 मैट्रिक्स दिया हमें कितना, -4, 3, 1, 2, -3, 1, 6, 3, -3। ठीक है, और बोला है कि एडजॉइंट फाइंड करो, एडजॉइंट फाइंड करो, उसके बाद मुझे ए इनवर्स भी फाइंड करने बोला है। दो चीज़ फाइंड करने बोला है यहाँ पे, क्या एडजॉइंट ए फाइंड करने बोला है और ए इनवर्स फाइंड करने बोला है। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। तो एडजॉइंट निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/mod a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये फॉर्मूला है ए इनवर्स निकालना है। तो एडजॉइंट निकालना है, यहाँ पुट करना है और मॉड ए निकालना है डिटरमिनेंट। तो दोनों लाइन बाय लाइन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, फिर एडजॉइंट निकालेंगे क्या होता है, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मॉड ए किस तरह से निकालना है। तो मॉड ए मतलब डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट आपको पता है कैसे निकालते हैं, 1/6 लिख दिया, डिटरमिनेंट का साइन डाल दिए, स्ट्रेट लाइन, 2 -3, 1, 6, 3 -3। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमें। तो सबसे पहले 1/6 को ऐसे लिख दिए, ब्रैकेट ब्रैकेट है ये, ठीक है, मैट्रिक्स नहीं है। और डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका मैंने पिछले वीडियो में बताया, तो वहाँ देख सकते हैं आप, या तो यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो -4 सबसे पहला, ये क्या होता है प्लस और ये माइनस और ये प्लस, इस तरह से होता है। ठीक है, तो सबसे पहला एलिमेंट मैं लिखूँगा यहाँ पे -4, फिर -4 के लिए ये रो और ये कॉलम को छोड़ देंगे, ये रो ये कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा अपना, -3, 1 एंड 3 एंड -3। ठीक है, तो इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आता है, और 1 और 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे 3 लिखेंगे लेकिन माइनस के साथ, तो माइनस के साथ 3 लिखा। अब ये वाला रो को छोड़ना है, ये कॉलम को छोड़ना है, ये रो को छोड़ना है, तो बचेगा क्या, 2, 6, 1, 3। ठीक है, तो 2, 6, 1, 3 बचेगा। तो 2 × -3 इज कितना होता है, 2 × -3 इज -6 एंड 1 × 6 इज 6। ठीक है, तो बीच में माइनस डालना ही पड़ता है, वो तो पता ही आपको। ठीक है, तो अभी ये वाला 1 आएगा +1। ठीक है, क्यों प्लस में था, 1 लिखा यहाँ पे ब्रैकेट। अब ये वाला रो को छोड़ना है, ये कॉलम को छोड़ना है, तो बचा क्या, 2 - 3 = 6, 3। तो अभी ये दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 × 3 = 6 एंड 3 × 6 × -3 = -18। तो -18 आ जाएगा, लेकिन पहले से इधर माइनस रहता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो इसके लिए प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमने निकाला किस तरह से डिटरमिनेंट सॉल्व किया। तो इसको अभी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, 1/6 -4 ये कितना आ जाएगा 6 एंड 3 एंड ये कितना आ जाएगा -12 + 1 ये कितना आ जाएगा 24। ठीक है, अब इसको और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, 1/6 ब्रैकेट क्या जाएगा ये -24 मल्टीप्लाई करने पे, और ये 12 × 3 = 36 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, अब ये 24 हो गया। ठीक है, ए 24 कैंसिल, प्लस माइनस था इसलिए। ठीक है, तो बचा क्या मेरा, 1/6 × 36 बचा अंदर, तो इसको कैंसिल करूँगा तो कितना आ जाएगा, 6 = 36 होता है, तो 6 आ गया। तो मेरा मॉड ए कितना मिला मुझे, 6 मिला। ठीक है, तो इस तरह से हमने मॉड ए निकाल लिया, तो 6 आ गया अपना। अब एडजॉइंट ए निकालेंगे फॉर्मूले के हिसाब से, फिर उसको इनवर्स में पुट करेंगे। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या मेथड है वो देखेंगे अभी। ठीक है, तो अभी हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले हमें माइनस निकालना पड़ता है, फिर कोफैक्टर निकालना पड़ता है। ठीक है, तो माइनस निकालना सीखते हैं कि किस तरह से निकालेंगे, फिर कोफैक्टर निकालेंगे, फिर एडजॉइंट ए कैसे मिलेगा वो देखते हैं। तो इसमें हमें पहला फर्स्ट स्टेप एडजॉइंट के लिए माइनर निकालना पड़ता है। तो माइनर क्या है, फॉर माइनर्स ऑफ ए। तो ए का माइनर क्या होगा, देखो फर्स्ट एलिमेंट के लिए माइनर क्या होगा, M11, तो इसको डिनोट करते हैं M से माइनर को, और 11 जो मेरा इंडेक्स है ये फर्स्ट एलिमेंट का, इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए मेरा माइनर क्या आएगा, तो माइनर क्या होता है, रो और कॉलम को छोड़ देने का। जो एलिमेंट के लिए माइनर निकालना है तो उसका रो और कॉलम छोड़ दो, तो बचेगा क्या ये। ठीक है, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -3 - 3 कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई करने पे, देन 1 × 3 = 3, तो -3।
ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देना, कितना आ गया 6, तो माइनर मुझे मिल गया 1 1 का। इसी तरह से माइनर ऑफ 1 2 भी निकाल लो, क्या होगा 1 2, माइनर ऑफ 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में एलिमेंट क्या है 3, तो 3 के लिए माइनर क्या होगा, ये वाला रो छोड़ दो और इसका ये कॉलम छोड़ दो, तो बचेगा क्या 2 6 1 -3, तो 2 6 1 -3 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 × -6, 2 × -3 इज -6 एंड 1 × 6 इज 6, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर दिए इसको, तो कितना आएगा -12 आ गया। ठीक है, अभी M13 निकालते हैं, माइनर 1 3 के लिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के लिए, ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट के लिए हम माइनर निकालेंगे, तो माइनर क्या होगा, अभी इसको मैं कॉलम छोड़ दूंगा, रो छोड़ दूंगा, तो बचेगा क्या अंदर का ये एलिमेंट बच रहे, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × 3 इज 6 माइनस और -3 × 6 इज -18, तो ये क्या हो जाएगा +18 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इधर पुट करूंगा तो प्लस हो जाएगा वो, ठीक है, तो आ गया 24। इस तरह से मैंने निकाला 1 2 3, इसके एलिमेंट के लिए निकाला, ये एलिमेंट के लिए, ये एलिमेंट के लिए माइनर निकाल लिया। अब सेकेंड रो में आते हैं, सेकेंड रो के लिए क्या होगा M21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के लिए, तो ये अभी ये एलिमेंट के लिए निकालना है, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, तो बचेगा क्या 3 1 3 -3, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × -3 इज -9 एंड 1 × 3 इज 3, ठीक है, तो क्या आ जाएगा -12 हो गया। अभी M22 सेकेंड एलिमेंट के लिए निकालते हैं, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के लिए, तो -3, तो -3 के लिए ये कॉलम छोड़ेंगे, ये रो छोड़ेंगे, तो बचेगा क्या -4 1 6 -3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा -4 -3 क्या होता है 12 एंड 1 × 6 इज 6, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी तरह से हम M23 भी निकालते हैं, क्या होगा देखते हैं, 2 3 ये वाला एलिमेंट है मेरा, तो इसके लिए कॉलम छोड़े रो छोड़े, तो बचा क्या -3 -4 3 6 3, तो इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 × 3 इज कितना है -12, 3 × 6 इज -18, माइनस ऑलरेडी रहता है इसलिए 3 × 6 इज 18, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा -30 हो गया। M33 अब निकाल लेते हैं, M23 हो गया ना, ओके 23 तो हो गया, अब थर्ड रो में आना है, तो M31 निकालना पड़ेगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के लिए 6 के लिए, तो ये कॉलम छोड़ो ये रो छोड़ो, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा 3 × 1 इज क्या बचेगा 3 1 -3 1, ठीक है, तो 3 × 1 इज 3 एंड 1 × -3 इज -3, तो ऑलरेडी माइनस इधर पे लगाना पड़ता है हमको, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे M32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम के लिए, ये वाले एलिमेंट के लिए, तो ये कॉलम छोड़ो ये रो छोड़ो, तो बचेगा क्या -4 1 2 1, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा -4 आ जाएगा, -4 × 1 इज -4, 1 × 2 इज 2, तो कितना आएगा -6, ठीक है, तो अभी M33 निकालेंगे, हम M33 निकालेंगे, तो देखते हैं क्या आता है M33 के लिए, ये वाले एलिमेंट के लिए, तो रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, तो -4 -3 इज 12 एंड 3 × 2 इज 6, कितना आ गया 6। इसी तरह से हमने सब निकाल लिया, माइनस जितने भी थे एलिमेंट्स के लिए माइनर चाहिए थे वो सारे निकाल लिए हमने, ठीक है, तो अभी हम निकालेंगे कोफैक्टर, तो कोफैक्टर कैसे निकालना है वो देखेंगे, ठीक है, माइनर तो निकाल लिए, अब कोफैक्टर, तो कोफैक्टर कोफैक्टर्स ऑफ ए, तो कोफैक्टर ए कैसे निकालते, उसको डिनोट करते कैपिटल ए से, तो कैपिटल A11 मतलब फर्स्ट एलिमेंट के लिए कोफैक्टर क्या होगा, तो सिंपल एकदम क्या करना है आपको -1 लिखना है, ठीक है, -1 लिखते हैं और ये 1 1 जो है इसको ऐड करके यहाँ पे लिखना है पावर में, ठीक है, ध्यान से देखिए, डायरेक्ट में फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, डायरेक्टली आपको बता दो कि क्या होता है एक्चुअल, A11 निकालना है तो क्या करना है -1 लिखना है पावर में ये दोनों का एडिशन, आ गया एडिशन, इनटू इसका माइनर क्या था 1 1 का माइनर क्या था मेरा 6, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6, ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका -1 का होल स्क्वायर इज 1 × 6 इज 6, तो कोफैक्टर फर्स्ट मिल गया मुझे। इसी तरह से अभी कोफैक्टर 1 2 निकालूंगा मैं, 1 2 निकालना है तो क्या करना है -1 लिखना है पावर में ये दोनों का एडिशन क्या होगा 3 इनटू, अभी इसका माइनर क्या था 1 2 का, 1 2 का माइनर क्या था मेरा -12, तो -12 यहाँ पे लिख दिया, अब ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, -1 रेस टू क्यूब क्या होता है और -1 −1 × -12 इज 12 प्लस हो जाएगा। इसी तरह से अभी A13 निकाल लेते हैं हम, A13 क्या होगा -1 रेस टू ये दोनों का एडिशन क्या होगा 4 इंटू A13 का माइनर क्या था मेरा 24, तो यहाँ पे 24 लिख दिया मैंने, अभी
-1:4 है तो क्या होता है, 1 हो जाएगा पावर, सॉरी 1 आएगा, -1:4 इज, क्योंकि इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा, तो 1 × 24 इज 24। इसी तरह से आप सेकेंड रो में आते, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम का, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, -1:2 ये दोनों का एडिशन, 3 × 21 का मेरा क्या था माइनर, -12 था, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो अभी 8 × 2 निकाल लेते, -1:2, 2 + 2 इज 4, और 2 का माइनर क्या था 6, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 6 आ जाएगा, क्योंकि -1:4 इज 1। देन अभी 2, 3 को फैक्टर ऑफ 2, 3 निकाल लेते हैं, अब को फैक्टर ऑफ 2, 3 क्या था हमारा, सॉरी पहले तो ये -1:2, 2 + 3 इज 5, एंड माइनर ऑफ 2, 3 का क्या है, -30 इक्वल टू कितना आ जाएगा ये, -1 × -30 इज 30, ठीक है। अभी 3, 1 निकाल लेते हैं, 3, 1 मतलब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट के लिए कोफैक्टर क्या होगा, -1:3 + 1 इज 4, एंड 31 का मेरा, 31 का मेरा 6 था माइनर, तो कितना आ जाएगा 6 आ गया, तो 31 का निकाले हमने, तो इसको आगे थोड़ा सा इधर पे रफ कर देता हूँ मैं, जितना हो गया अपना उसका काम नहीं है। अभी अपना आ गया 3, 2 निकालना है, तो -1:2 ये दोनों का एडिशन, पावर 5 इंटू इसका क्या था मेरा माइनर, 3, 2 का -6 था, तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाएगा, ठीक है। अभी 3, 3 लास्ट वन का क्या रहेगा, 6 आ गया पावर में, 3 + 3 = 6, एंड इसका लास्ट वाले का माइनर क्या था मेरा, 6 था, तो मल्टीप्लाई किया तो 6 ही आया, मतलब लास्ट का सब एलिमेंट 6, 6, 6 आया, ठीक है। तो इसको रफ कर देता हूँ, अभी हमें कोफैक्टर मिल गए सारे, कोफैक्टर सारे मिल गए, तो कोफैक्टर का मैट्रिक्स क्या होगा, तो लेट कर लेता हूँ मैं, लेट सी बी द कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ अभी, कोफैक्टर क्या है मेरा, देखो कोफैक्टर क्या, लाइन से लिख दो, पहला क्या है 6 आया लिखा, सेकेंड क्या है 12 है, 12 लिखा, फिर 24 है लिखा, फिर 12 है लिखा, फिर 6 है, फिर 30, फिर 6 है, 6 है, 6 है, 6 है, 6 है, 6 है, ठीक है। तो ये मेरा कोफैक्टर मिल गया मुझे, देखो कोफैक्टर मिल गया, लेकिन मैट्रिक्स के साथ 1/6 भी था आगे, भूलो मत, तो इसको मैं आगे लिख देता हूँ, मैट्रिक्स के आगे लिख सकते हो बाद में, तो 1/6 लिख दिया मैंने, ठीक है। कोफैक्टर मिल गया हमें, अभी कोफैक्टर का मैट्रिक्स मिल गया, अब क्या करते हैं 1/6 को ना अंदर सबके पास भेज देते हैं, ठीक है, इतना रफ कर देता हूँ मैं, आप पॉज करके कॉपी कर लीजिए। अभी क्या करेंगे, 1/6 को अंदर भेज देता हूँ सबके पास, तो सबके पास अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा डायरेक्ट, 1/6 इज द 1 होता है, सॉरी 6 × 1 = 6 होता है, और ये 2 आ गया, और ये 6 × 4 = 24 होता है, और ये 2 होता है, 1 होता है, 5 होता है, और ये 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है, ठीक है, कोफैक्टर मिल गया। अभी सिंपल बताता हूँ आपको, एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, अभी तो हमें एडजॉइंट निकालना था ना, एडजॉइंट, तो एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है, ठीक है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट ए मिल जाता है, तो इसका ट्रांसपोज कर दो, कोफैक्टर तो है हमारे पास, ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में लिख देते हैं, तो रो क्या है यहाँ पे 1, 2, 4, इसको कॉलम में लिख दो 1, 2, 4, फिर इसका रो क्या है 2, 1, 5, इसको कॉलम में लिख दिया, फिर 1, 1, 1, 1, 1, 1 लिख दिया, ठीक है, तो एडजॉइंट ए क्या आ गया मेरा, ये मिल गया मुझे, एडजॉइंट फाइंड कर लिए, हो गया। अब ए इनवर्स निकालते हैं हम, कि ए इनवर्स कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ए तो फाइंड कर लिया हमने, अब हम ए इनवर्स निकालेंगे, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला हमें पता है, क्या है ए इनवर्स का फॉर्मूला, एडजॉइंट के टर्म में 1/mod a मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, और मॉड ए हमने निकाला था सबसे इनिशियल में निकाला था, मॉड ए हमारा 6 आया था, मल्टीप्लाई एडजॉइंट भी है हमारे पास, क्या है 1, 2, 1, 2, 1, 1, 4, 5, 1, तो ये हमारा मिल गया ए इनवर्स। तो इस तरह से हमने फाइंड किया ए इनवर्स, ठीक है, आप और भी तरीके मतलब बहुत सारे तरीके, लेकिन यहाँ पे बुक में अगर ए इनवर्स निकालना है तो जो समय आएगा 6 मार्क्स के लिए, तो इस पे ही आने वाला है एडजॉइंट के थ्रू, ठीक है। तो आगे के वीडियो में देखते हैं हम कि एक्लॉन फॉर्म क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।